हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने जा रही हूँ पनीर भुर्जी। और पनीर, ये जो पनीर भुर्जी है बहुत टेस्टी और डिलीशियस बना है। और मैंने कैसे बनाया है आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो पनीर भुर्जी सबको बहुत पसंद आता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर भुर्जी बनाना। फ्रेंड्स, पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दिया है। ये स्टील की कढ़ाई है, तो इसमें हम पनीर भुर्जी बनाएंगे। सबसे पहले मैंने तेल डाल दिया है और अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बटर का टुकड़ा भी डाल देंगे इसमें। इसमें मैंने डाल के थोड़ा सा चला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा जीरा डाल देंगे। फ्लेम एकदम कम करके करना है क्योंकि स्टील की कढ़ाई है, तो हमें कम फ्लेम पे रख के करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्याज और हरी मिर्ची को मैं डाल देती हूँ साथ में। प्याज और हरी मिर्ची, 200 ग्राम पनीर लिया है तो मैंने छोटा छोटा दो प्याज लिया है और चार छोटी छोटी हरी मिर्ची लिया है, पतला पतला काट दिया है। और प्याज को हम अच्छे से पकाएंगे, थोड़ा सा ब्राउन होने तक प्याज को हम पकाएंगे। प्याज हमारा अभी थोड़ा ब्राउन हो गया है तो मैं अभी क्या करूँगी, अभी थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी डाल दूँगी। गरम तेल में ही अगर हम कस्तूरी मेथी को फ्राई कर देते हैं तो उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी इसमें डाल देती हूँ। कस्तूरी मेथी डाल के थोड़ा सा हम इसको फ्राई कर लेंगे, फ्लेम कम पे ही रखेंगे। ये देखिए, अभी हम क्या करेंगे, इसमें मैंने अदरक लहसुन को कूट कर रखा है। आप छोटा छोटा पतला पतला काट के भी डाल सकते हो, मैंने कूटन में कूट के रखा है तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। ऐड करके अदरक लहसुन को 2 मिनट के लिए पका लूंगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चा स्मेल चला जाए। अभी देखिए 2 मिनट हो गया है, अदरक लहसुन हमारा अच्छे से पक गया है, बहुत अच्छे से खुशबू आने लगी है। तो अभी हम क्या करेंगे, छोटे छोटे 2 टमाटर को काट के इसमें डाल देंगे। पहले से मैंने कट करके रखा था है 2 छोटे छोटे टमाटर, आप एक बड़ा टमाटर भी ले सकते हैं। तो मैं टमाटर को इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर को ऐड कर दिया है, अभी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, नहीं तो नीचे से मसाला हमारा जल जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, हम इसमें नमक डालेंगे और बाकी जो सारे मसाले इसमें हम डालेंगे। सबसे पहले हम नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है मैंने। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे। मैंने ये 3-4 पतला पतला करके मिर्ची डाला था जो कि वो बहुत ही तीखी है। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो। और मैं नमक डाल दिया, हल्दी पाउडर डाल दिया, अभी ये गरम मसाला पाउडर डाल देती हूँ। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल देंगे। ये मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया है, सारे मसालों को डाल दिया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करके सारी चीज़ों को टमाटर पकने तक अच्छे से पका देंगे। और इसमें मसाला हमारा जल ना जाए इसके लिए हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, हमारा जो मसाला अच्छे से पक जाएगा और टमाटर भी अच्छे से पक जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मसाला अभी हमारा अच्छे से पक गया है। जो हमने थोड़ा सा पानी देके मसाले को पकाया था, हमारा टमाटर भी अच्छे से पक गया है, खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है क्योंकि कसूरी मेथी डाला है हमने और मसाले जो डाला है गरम मसाला वगैरह, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अभी हम क्या करेंगे,
मैंने पनीर को मैश करके रखा है, तो उस पनीर को हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। देखिए मैं पनीर को थोड़ा और मैश करके इसमें डाल देती हूँ, फिर हम मिक्स कर देंगे। कुछ इस तरह रखा है, जब हम मिक्स करेंगे तो पनीर हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये पनीर भुर्जी बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप हम क्या करेंगे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, पनीर को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। पनीर भुर्जी हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया है मसालों के साथ। अगर आप थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप गर्म पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ड्राई बनाया है, तो आप चाहे तो ड्राई बना सकते हैं, ड्राई पनीर भुर्जी बना सकते हैं, या तो थोड़ी सी ग्रेवी वाली भी बना सकते हैं। ये हमारा पनीर भुर्जी अभी रेडी हो गया है। हम क्या करेंगे इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर का। पनीर भुर्जी जब बनता है ना, ये जो हमने डाला है हरा धनिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको अभी हम अगर जैसे कि थोड़ा सा लीड लगा देंगे, ढक के थोड़ा सा बंद कर देंगे, 1-2 मिनट पका लेंगे, तो इसका जो फ्लेवर इसमें मिक्स हो जाएगा। तो एकदम कम फ्लेम पर रखा है मैंने। अभी पनीर भुर्जी रेडी हो गया है। अभी हम क्या करेंगे इसका, देखिए मैं लीड लगा देती हूँ, बस एकदम लो फ्लेम पे 1-2 मिनट ही हमें पकाना है। 2 मिनट अभी हो गया है, मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ। पनीर भुर्जी देखिए हमारा रेडी हो गया, बहुत टेस्टी बना है और देखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है। ज्यादा टाइम नहीं पकाना है, बस 1-2 मिनट पका के बीच बीच में आपको चलाते रहना है, क्योंकि हम ड्राई बना रहे हैं तो, और स्टील की कढ़ाई भी है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यह हमारा पनीर भुर्जी रेडी हो गया है, और आप इसे चपाती के साथ और पूड़ी के साथ, अपने पसंद के ब्रेड के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।